मेरा नाम तशीक अहमद है और मेरा रोल नंबर 053 और सेमेस्टर 4th। और मैं जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा था रीडिजाइन करने के लिए, उसका नाम है एपीसी ट्रेसिंग प्री स्कूल गेम्स। नेक्स्ट चलते हैं अभी कॉन्टेंट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ रहा है ऐप टेस्टिंग, नंबर 3 पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें यूजर इंटरव्यू किए गए, कॉर्ड सॉर्टिंग करवाई गई यूजर से। देन नंबर 4 पे ऐप रीडिजाइनिंग है जो कि यूजर इंटरव्यूज और कॉर्ड सॉर्टिंग की बेस पे की गई। उसके बाद जो रीडिजाइनिंग की गई थी उसके ऊपर टेस्ट किया गया जो कि मेरा एक पार्टनर था, जो मेरा ग्रुप फेलो था, उसको मैंने दी और उसने वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की। उसमें से कुछ गलतियाँ निकाली गए हैं और उस पर भी आगे हम फर्दर देखेंगे। देन सेल्फ क्रिटिक है जिसके अंदर मुझे अपने पे क्रिटिक करनी है कि जी मैंने इसमें क्या किया और क्या नहीं। जी नेक्स्ट चलते हैं, ये इंट्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले। और ये जो एक एप्लीकेशन है बच्चों के लिहाज से, इसके अंदर एबीसी काउंटिंग स्पेलिंग और कलरिंग एक टाइप फीचर्स हैं जो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल करते हैं सीखने में। सो ये जी मोबाइल डिवाइसेस लाइक जो एंड्रॉयड टाइप है उसमें अवेलेबल है। देन इसके अंदर काफ़ी सारे मेन्यूज हैं जिसमें एबीसी है, नंबरिंग है, लाइंस है, डॉट्स, कलरिंग और मेज। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपको इजीली ऐप स्टोर से मिल जाती है। अब ऐप टेस्टिंग की बात करते हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो लर्नेबिलिटी आता है। इसके अंदर कोई भी बच्चा है वो इसके इंटरफेस को देख के सिंपली अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि इसका जो कलर जो ऐप का इंटरफेस है वो काफ़ी कलरफुल है। एफिशिएंसी है जी, ये ऐप काफ़ी एफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के जो स्टूडेंट्स यानी किड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ये इजीएस्ट है जी, आपने कुछ भी प्रोसेस करना हो, आप जस्ट जैसे आपको कलरिंग का टैब नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें, कलरिंग की काफ़ी सारी वर्कशीट ओपन हो जाएंगी और आप कलरिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मेमोरेबिलिटी, कि अगर आपने इसके अंदर कोई काम किया है तो वो आपको याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बहुत सारी ईजी हैं, आप ईजीली इसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, एरर्स हैं जी इसके अंदर कुछ, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, वो बिल्कुल 100% कह लें कि जी वो ठीक नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ बताइयाँ रह जाती हैं। इसके अंदर भी कुछ है कि ठीक एक तो आपको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये वर्कशीट्स जो है वो लॉक्ड हैं और ये आपको परचेज करनी पड़ती है, देन बच्चा कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है, लाइक मैचिंग टाइप इस तरह की वर्कशीट्स। सेटिस्फेक्शन जी, बच्चों के लिए डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है और बच्चे इसमें बहुत इन्वॉल्व होकर काम करता है क्योंकि ये बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई। अच्छा जी, आगे अब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा यूज़र इंटरव्यूज का। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले एज फैक्टर है जी, एज थी जी 18 से 20 एज के थे जी यूज़र्स, वो 3 थे, 21 से 25 के थे 2 थे, 26 से लेकर 30 जो एज के थे वो 1 थे, 31 से 35 तक 1, 36 से 40 एज के भी 1। टोटल ये बन रहे हैं जी तकरीबन 7 यूज़र्स जिनसे मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है जी ग्रेजुएशन जिन्होंने की थी 4 थे, अंडर ग्रेजुएट 2 हैं, इंटरमीडिएट 1 है और इलिटरेट पीपल्स भी 1 है। और अगर बात करें कि सिंगल और मैरिड में तो 5 सिंगल हैं और 3 मैरिड हैं। उसके बाद स्मार्टफोन्स की बात करें जी, सैमसंग के 2 मोबाइल रखे हुए हैं, 2 बंदों ने आईफोन किसी ने भी नहीं रखा हुआ, ओप्पो का मोबाइल है जी 3, हवावे के मोबाइल है 1, टेक्नो का है 1 और एक जो इलिटरेट था उसके पास मोबाइल नहीं था। इस तरह से अब क्वेश्चनिंग स्टार्ट की गई जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन था आर यूजिंग एनी ऐप, सो यस सब भी यूज़ करते हैं सिवाय इलिटरेट के। सो एक जो बंदा था उसने इलिटरेट था जो कोई भी ऐप यूज़ नहीं करता था, बाकी जो 7 था वो यूज़ करते थे। देन आगे बात करते हैं जी, आर यूजिंग दिस एबीसी स्कूल ऐप। जब मैंने उनको ऐप दी तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि जी आप ये ऐप यूज़ किया, उन्होंने कहा जी हमने किया सिवाय एक के। देन आगे फर्दर मूव करते हैं, विद द एग्जिस्टिंग फीचर्स डज द मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। अब इसमें से काफ़ी सब ने कहा यस, जी हाँ 5 बार लोगों ने कहा यस, जो एग्जिस्टिंग फीचर है या मोबाइल एप्लीकेशन वो अचीव कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। और उसके अलावा जो 3 थे उन्होंने 2 ने भी मोस्टली कहा और 1 नॉट एट ऑल।
आगे क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द मोबाइल एप्लीकेशन इज द मोस्ट यूजफुल टू. सो इसमें से जो बच्चों को पढ़ाना हो उसमें से उन्होंने टीम में उन्होंने कहा कि जब बच्चों को पढ़ाना हो तो हम यूज करेंगे. जो किसी ने कहा अपने बहन भाई को पढ़ाना है और किसी ने कहा कि जब बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हों तो तब हम इस एप्लीकेशन को यूज करें. उसके बाद है इट इज ईजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज स्टडीज ऐप फॉर. बिल्कुल ईजी सारा सेटअप है तो सबके सब को ईजीली वो रिमेंबर होंगे कि इसको लॉग इन कैसे करते हैं. फिर आगे था डू यू थिंक यूजिंग द मोबाइल फोन एंड विजुअल एड्स कैन इंप्रूव लर्निंग. जो जितने भी ग्राफिक्स थे वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो सबका आंसर यस में था. उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डू यू थिंक कॉन्टेंट इज रेलिवेंट अट्रैक्टिव अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू. जो इसके अंदर कॉन्टेंट है वो सारा अप्रोप्रिएट है. जो पढ़े लिखे हैं मोस्टली उन्होंने तो छः में से जो यस का आंसर आया और जो दो थे उन्होंने कहा कुछ कुछ फीचर्स में अंडरस्टैंडिंग है बाकियों में नहीं. आगे डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटीरियल डैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड्स. सो बिल्कुल इस ऐप में ऐसा कोई चीज़ नहीं है. सो सबका आंसर यस में था. टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रोप्रिएट. जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं ऐप के अंदर वो 7 लोगों ने कहा जी ठीक है और एक ने कहा नहीं ठीक. वट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऐप. सो इसमें एड्स काफ़ी ज़्यादा थी तो 6 लोगों ने कहा कि एड शो होती है. एक ने कहा कि जी नेक्स्ट बटन एंड बैक बटन को इम्प्रूव करना चाहिए और एक ने कहा कि पजल स्कीम ऐड करनी चाहिए. Did the app help you accomplish your goals? जाहिर सी बात है बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है तो 8-11 लोगों ने कहा जी गोल अकॉम्प्लिश करने में ये हेल्प करती. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन. जो उसके फीचर्स वगैरह हैं वो कैसे हैं. सो उसमें 3 ने कहा कि जी गुड है, 2 ने एक्सीलेंट का कहा, एक ने बैड और एक ने एवरेज का. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप. इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा. जो मोस्टली थे उन्होंने कलरिंग फीचर और डॉटिंग फीचर का कहा, एक ने पजल फीचर और एक ने राइडिंग फीचर का कहा. फिर विच फीचर वुड यू लाइक यूज द मोस्ट. सबसे ज़्यादा फीचर जो यूज किया जाएगा या करते हैं बच्चे वो कौन सा है. जी डॉट्स वाला है. फिर काउंटिंग वाले 2 ने कहा, फिर राइटिंग वाले 2 ने कहा और एक कहा मैच. आर देर एनी फीचर्स दैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन. कोई ऐसा फीचर जो कि मिसिंग हो और इस ऐप में होना चाहिए था. सो 3 लोगों ने कहा कि जस्ट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी. 4 ने कहा कोई मिसिंग नहीं है और एक ने कहा कि इंस्ट्रक्शंस मिसिंग. हाउ ऑफ्टन वुड यू यूज इट, कितना टाइम के लिए यूज़ किया जाए. तो 5-10 मिनट के लिए 3 आंसर थे. 3 यूजर्स ने कहा, 10-15 मिनट के लिए 3 यूजर ने कहा और किसी ने स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, 2 ने. रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन को जब यूज़ किया तो इसका यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा. 3 ने कहा जी गुड है, एक ने कहा एक्सीलेंट है, 2 ने कहा वेरी गुड है और 2 ने कहा एवरेज है. रेट द इंटरफेस ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस किस तरह का था. तो वो जी 4 स्टार मिले हैं वो 4 बंदों ने दिए. 3 स्टार 3 बंदों ने दिए, 5 स्टार किसी ने भी नहीं दिया. आइकन्स को रेट करने के लिए कहा तो 4 स्टार्स मिले हैं जी 6 बंदों की तरफ से और 3 स्टार मिले हैं 2 बंदों की तरफ से. इसमें भी 5 स्टार नहीं मिले. What do you think mobile application should improve on? इसके अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है. मूविंग एरोज 2 ने कहा, ऐड उर्दू की जा सकती है एक बंदे ने कहा, रिमूव बैड थिंग्स एक बंदे ने कहा, रिमूव एड्स ये 4 बंदों ने कहा कि एड्स को रिमूव किया जाए. उसके बाद कार्ड सॉर्टिंग आ जाती है. कार्ड सॉर्टिंग में मैंने अपने से एक प्रपोज दिया जिसके अंदर मैंने मेन्यूज बनाया जैसे ये कलरिंग है, शेप्स है, स्पेलिंग है, नंबरिंग है, लाइन्स और अल्फाबेट्स है. और फिर यूजर्स को दिया कि जी ये इसको आप सॉल्व करें, मेन्यूज रखें और उनको कहा जो आपको लगता है कि जी इसके नीचे सब मेन्यू आ सकते हैं तो वो उसके नीचे रख दीजिए. तो उस लिहाज से ये यूज़र 1 ने किया, ये यूज़र 2 ने, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है. और एनालाइज किया जो जो मैंने दिया हुआ था लाइन्स अल्फाबेट्स नंबरिंग शेप्स कलरिंग एंड स्पेलिंग. तो उस लिहाज से जी लाइन्स के नीचे जॉइंट डेट्स आता था और प्रैक्टिस आता था, अल्फाबेट्स के नीचे भी उसके सब मैन्यूज, नंबरिंग के नीचे सब मैन्यूज, शेप्स के नीचे सब मैन्यूज, कलरिंग एंड स्पेलिंग के नीचे सब मैन्यूज आते थे. तो इस लिहाज से जिन जिन बंदों ने पुट किया उसका रिजल्ट ये है कि लाइन्स के नीचे जो सब मैन्यू आता था लाइक के लाइन्स के नीचे जॉइंट डॉट्स आता था वो एग्जैक्टली 5 बंदों ने रखा, 6 में से 5 बंदों ने रखा. इसी तरह अल्फाबेट्स के नीचे जो सब मैन्यू आते हैं वो किन किन बंदों ने रखे ये उनका जो रिजल्ट है ये हुआ. और इस तरह उसको ग्राफ्स की सूरत में भी बताया गया है.
जैसे लाइंस वाली जो लाइन है वो ब्लू कलर में है और वो पांच बंदों ने एग्जैक्ट रखा, इस तरह अल्फाबेट्स है, नंबरिंग है, शेप्स है, कलरिंग एंड स्पेलिंग। और ये कार्ड सॉर्टिंग के रिजल्ट के लिहाज से जो उसके नीचे एग्जिस्ट करता है ये हमने वैसे रख दिया। अब ऐप रिडिजाइनिंग की तरफ आते हैं, जो कि यूजर इंटरव्यूज और कार्ड सॉर्टिंग की बेस पे किया गया था। ये एक जो पहले एग्जिस्टिंग ऐप है उसका डिजाइन है, जिसमें कलरिंग के साथ ना दो मेन्यूज आ रहे हैं, एक कनेक्ट और एक मेज। और जितनी भी मैंने यूजर से इसको टेस्ट करवाया, वो टेस्ट किया, तो कनेक्ट और लाइंस वाला ना कुछ आपस में मिलता जुलता था, और मेज वाला लाइक कह लें कि आप 2 साल से लेके 5 साल के बच्चे तक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। सो जो न्यू डिजाइन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ न्यू डिजाइन। इसके अंदर मैंने कलरिंग के साथ एक स्पेलिंग वाला फीचर ऐड किया, जो आपने कार्ड सॉर्टिंग में भी देखा था। अब इसमें है क्या, मैं आपको लेके जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपको जो उसके अंदर सब मेन्यू है वहां पे लेके, जिसके अंदर डेज ऑफ वीक आ रहे हैं, शेप्स आ रही हैं, और स्पेल योर नेम आ रहा है, नंबर आ रहे हैं। तो बच्चे इससे भी काफी कुछ सीख सकते हैं कि डेज ऑफ वीक के स्पेलिंग, शेप्स के स्पेलिंग, अपने नाम के स्पेलिंग और नंबर्स के भी स्पेलिंग देख सकते हैं। बैक जाते हैं जी, आगे मूव ऑन करते हैं। जो एक प्रीवियस डिजाइन था जी, इसके अंदर देखें आप, बच्चे ने अगर तो एक डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक गलत जो पॉइंट किया है, तो मींस के उसने लाइन खींची है लेकिन वो एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं है, जैसे ऊपर उसने दिया हुआ वैसे नहीं है, तो वो कोई एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी तरफ से और बाकी जितने भी यूजर्स ने जिन्होंने यूज किया उनकी तरफ से भी ये एक ऑप्शन था जी, कि इसलिए ऐड किया जाए कि बच्चों को बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको नजर आ रहा होगा। गलत अगर किया तो वो क्रॉस का निशान शो करेगा, अगर ऐसे ही वो ठीक करेगा बच्चा तो वो टिक का निशान शो करेगा कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, प्रीवियस डिजाइन था जी के बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ से खत्म करो, तो ये एक बैड अप्रोच है। तो रीडिजाइन के अंदर या न्यू डिजाइन के अंदर मैंने एक न्यू फीचर ऐड किया जी, कि देखे जैसे आपको ये हैंड मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, कि यहाँ से बच्चा मूव करे जी, और जैसे जैसे वो मूव करेगा उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ एंड करना है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए, गिफ्ट के लिए एक अच्छी अप्रोच है कि वो लर्न अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद न्यू डिजाइन की प्रीवियस डिजाइन की बात करते हैं, इस ऐप के अंदर वो है जी एक वीडियो का ऑप्शन, जैसे कि आपको ये एरो के थ्रू नजर आ रहा होगा वीडियो का ऑप्शन, जिसके अंदर क्या है कि अगर आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप YouTube पे चले जाते हैं, और बच्चे के लिए YouTube पे जाना आई थिंक के वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बच्चा सीख रहा है और वो आप उसको YouTube पे भेज रहे हो। तो इसके अंदर मैंने एक ऐप का अपना YouTube से हट के ऐड, जो ऐप का अपना डेटाबेस के अंदर वीडियोस होती हैं वो ऐड की हैं। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लाइक ये देखिए, शेप एंड कलर अगर उसने सीखना है तो इस पर क्लिक करेगा, पजल सीखनी है पजल पे क्लिक करेगा, लेटर्स पे सीखना है, काउंटिंग, क्वांटिटी, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, तो ये चार सारी चीजें वो यहाँ से सीख सकता है वीडियोस के ऑप्शन से। बट ये वीडियोस होंगी सिर्फ ऐप के डेटाबेस में, कोई वो यूट्यूब वगैरह पे नहीं जाएगा। बैक आते हैं जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या है जी, प्रीवियस डिजाइन था कि आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये काफी डिम है और बच्चे को पता नहीं चल रहा कि मैंने मूव ऑन कहाँ से करना है, आगे कहाँ जाना है, पीछे कहाँ से जाना है। तो इसको रीडिजाइन किया जी, न्यू डिजाइन, जिसमें ये देखें आपको एक नेविगेशन शो हो रहा होगा, जिसमें ये बता रहा है कि बच्चे ने अगर नेक्स्ट मूव ऑन करना है तो वो कैसे कर सकते, जैसे इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो आगे मूव कर देगा। ये प्रीवियस डिजाइन से काफी बेटर डिजाइन है। उसके बाद जी नेक्स्ट आता है, जो मेरे ग्रुप मेंबर थे उमर आजिम खान, जो के जिनको मैंने ये अपना काम सेंड किया, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी, जिसमें सबसे पहले मैं जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो है जी, एम्बेडेड वीडियो इज नॉट एड इज एडिड एज दे आर रीडायरेक्टिंग इट टू देयर यूट्यूब पेज टू अर्न रेवेन्यू। जो आपने पीछे वीडियो वाला फीचर देखा था, जिसमें मैं ये कह रहा था कि वो यूट्यूब पे लेके जाता है, तो उनका ये कहना है कि वो यूट्यूब से अर्न करते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने यूट्यूब पे वो लिखा हुआ है। तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, बट एक फैक्टर ये आ जाता है कि किड्स कैसे इस चीज को जी वो करेंगे, ओवरकम करेंगे। साउंड शुड बी डिसेबल्ड, ओके आई विल एक्सेप्ट इट।
ओके जी, कुछ और रिकमेंडेशन थी उसकी तरह से, बट मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहते हैं जी कनेक्ट मैन्यू शुड नॉट बी रिमूव, जो मैन्यू था कनेक्ट वाला वो रिमूव नहीं करना चाहिए था। बट मेरे लिहाज से जो लाइंस और कनेक्ट वाला जो मैन्यू था वो ऑलमोस्ट सेम था, तो इस वजह से मैंने उसको रिमूव किया। देर इज नथिंग इन स्पेलिंग मैन्यू, जैसा कि आपको पीछे मैंने दिखाया स्पेलिंग मैन्यू जो मैंने ऐड किया, उसके सब मैन्यूज दिखाए, उसमें काफ़ी हेल्पफुल मटीरियल मैंने ऐड किया, तो वो मेरी नज़र में और बाकी यूजर्स की नज़र में काफ़ी मायने रखता है। स्पेलिंग नेम इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, सो अगेन वही चीज़ है जो कि आपको मैंने ऑलरेडी जो है डिस्क्राइब कर दिया, कि स्पेलिंग नेम या स्पेलिंग से बच्चा सीखता है कि डेज ऑफ वीक्स के स्पेलिंग याद करेगा वो, तो वो सीखेगा। लोगो शुड बी देयर, लोगो होना चाहिए था, तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लोगो जब आप ऐप स्टार्ट करते हैं तो लोगो आ जाता है, उसके बाद जब मेन्यूज ही आने होते हैं तो आप मेन्यूज की जगह पे भी लोगो ऐड कर देंगे, तो आगे आता है कि मेन्यू पेज शुड बी डिफरेंट। देन मेन्यू पेज काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो एग्जिस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मेरी नज़र में जो था वो बिल्कुल ठीक है। कलरिंग है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों उससे, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। सेल्फ क्रिटिक ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी एप्लीकेशन है या जो भी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ठीक है, और उसको आप जितना इम्प्रूव कर सको वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो 100% तक इम्प्रूव नहीं होती। और सेल्फ क्रिटिक में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है कि आई थिंक वीडियो ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आई थिंक इट्स सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ दिस, जो मैं पहले भी एक्सेप्ट किया कि जो मैंने वीडियो ऑप्शन ऐड किया वो नहीं ऐड करना चाहिए था, क्योंकि वो यूट्यूब पे अगर वो जा रहे हैं तो उधर से वो अर्न कर रहे हैं। जो वर्कशीट लॉग्ड है सेकंड पॉइंट है, जो वर्कशीट लॉग्ड है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू सम रीजंस या ड्यू टू सम लाइक आप कह सकते हैं कि टाइम नहीं था, शॉर्टेज ऑफ टाइम था, या उस चीज़ का कुछ अल्टरनेट नज़र नहीं आया, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की गई, बट विद इन फ्यू डेज विद इन फ्यू मंथ्स आई विल वर्क ऑन इट, और मैं चाहूँगा कि मैं उसके अंदर कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट करके दूँ। इसके बाद ये थैंक यू सो मच कि आपने इसको सुना देखा और इस ऐप को रीडिज़ाइन जो मैंने किया है, उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको लॉन्च भी करूँ। थैंक यू सो मच।